हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो अभी नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग कर रहे हैं, हैवी ब्लूमिंग हो रही है। ये सारे बारहों महीने खिलने वाले पौधे हैं जिसमें जो फूल खिल रहे हैं वो रेगुलर खिल रहे हैं और काफ़ी मात्रा में भी खिल रहे हैं। दोस्तों, आप भी ये सारे खूबसूरत पौधों को लगा सकते हैं अपने गार्डन में जो डेली फ्लावरिंग कर रहे हैं और परमानेंट है। आइए जानते हैं नवंबर दिसंबर में खिलने वाले फूलों के नाम, और आपके पास कौन कौन से फ्लावर हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे नंबर वन लिस्ट में है ये एक्सोरा। एक्सोरा के प्लांट जो होते हैं बारहों महीने चलने वाले सदाबहार पौधे होते हैं। इसमें इनके लीफ काफ़ी ग्रीन और शाइनिंग वाले होते हैं और फ्लावर तो आप देख ही सकते हैं, फूलों के क्या कहने, गुच्छों में फ्लावर आते हैं और एक ही पौधे पर ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं, जैसा कि आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं। लॉट्स ऑफ फ्लावरिंग हुई है, अलग अलग जगहों पे गुच्छे आए हुए हैं और ये जो फ्लावर होते हैं कई दिनों तक, 15-20 दिनों तक ऐसे ही एज इट इज़ बने होते हैं। सो दैट इज़ द वेरी बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस प्लांट। एक्सोरा के प्लांट आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, फील्ड में भी और पॉट में भी। कलर वेराइटी की बात करें तो पिंक, वाइट, रेड, येलो, ऑरेंज सारे ही कलर में अवेलेबल होते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, गार्डन को बड़ा ही कलरफुल लुक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं ढेर सारे गुड़हल। जी हाँ, ये हिबिस्कस के पौधे हैं जिसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है। सो नवंबर के महीने में भी ढेर सारे हिबिस्कस खिले हुए हैं और ये हिबिस्कस भी कई दिनों तक खिले होते हैं। साथ ही साथ कलर में भी लॉट्स ऑफ कलर अवेलेबल होता है। हमारे गार्डन में कौन कौन से हिबिस्कस के कलर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही फ्रेंड्स, ये येलो कलर में है और आप देख सकते हैं इसके सेंटर में कितना अच्छा रेड कलर लग रहा है और बहुत सारी ब्लूमिंग हुई है, कलियाँ भी बहुत सारी आई हुई हैं। तो इस तरीके से इनके ड्वार वेराइटी को हम पॉट में और क्यारी में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, गुड़हल में भी देसी वेराइटी आती है, ड्वार वेराइटी आती है, ड्वार वेराइटी को पॉट में लगाइए। साथ ही इनकी कटिंग से हम इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पिंक कलर में गुड़हल है, बहुत कम देखने को मिलती है पिंक कलर का हिबिस्कस जो हमारे गार्डन में बना हुआ है और छोटे से पौधे में ही बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है। यहाँ पर है ये रेड कलर का हिबिस्कस और ये भी डबल पेटल में है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी आपने सिंगल पेटल का हिबिस्कस देखा, ये डबल पेटल का है। तो वेराइटी भी है और कलर भी अवेलेबल होते हैं हिबिस्कस में, और काफ़ी शौक होता है कईयों को ढेर सारे ही कलर को अपने गार्डन में ऐड करने का, उनमें से एक हम भी हैं। हिबिस्कस भी बारहों महीने चलने वाले पौधे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग भी बारहों महीने होती है और इसमें फ्लावरिंग शाम को जो होती है फेड हो जाती है और सनराइज होने पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके जो फूल होते हैं उसको पूजा पाठ में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत सारी मात्रा में एवरीडे फ्लावर निकलते हैं। सो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें कलर में वाइट, ब्लू, येलो और भी रेड, पिंक सारे कलर में मिल जाते हैं और सिंगल और डबल पेटल में भी मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जितने भी फूलों वाले पौधे दिखा रहे हैं ये सारे ही लगातार फ्लावरिंग करते हैं और अभी नवंबर दिसंबर में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। साथ ही साथ ये परमानेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर है गुलाब के पौधे। गुलाब के फूल भी काफ़ी खूबसूरत और लोकप्रिय होते हैं। इसमें भी देसी वेराइटी होती है, इनकी ड्वार वेराइटी होती है। देसी वेराइटी में बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है, हेल्दी फ्लावर आते हैं। सो अगर आपके पास फील्ड है तो आप देसी वेराइटी लगाइए। साथ ही ड्वार्फ वेराइटी को हम अपने पॉट में ग्रो कर सकते हैं बालकनी गार्डन में। देख सकते हैं हमारे गार्डन में एक ही पौधे में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, कलियाँ आई हुई हैं और ये काफ़ी खूबसूरत रेड कलर है जो कॉमनली हर जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें वाइट, पिंक, येलो बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट अब डबल कलर में इसके अलावा ब्लू, ब्लैक कलर में भी हमें मिल जाते हैं रोज़ फ्लावर। तो आप देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है और फ्लावर कितना हेल्दी है। सो ये देसी वैरायटी है बट फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और इनके जो फ्लावरिंग होने के बाद जो बड होते हैं उसकी हमें डेड हेडिंग करते रहनी है और इनकी कटिंग भी लग जाती है। ये फ्लावर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बस इनको हमें पार्शियल शेड में ग्रो करना है और वाटरिंग भी कंटिन्यूअस करते रहनी है। यहाँ पर है बोगनविलिया। बोगनविलिया में भी अभी नवंबर दिसंबर में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इनफैक्ट ये सालों भर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। फर्स्ट विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी में चले जाते हैं महीने भर के लिए, फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये फ्लावर भी काफी पसंदीदा फ्लावर होता है, गुच्छों में फ्लावर इसके आते हैं। परमानेंट होने के साथ साथ इनकी जो बेलें होती हैं वो काफी खूबसूरत लगती हैं और एंट्रेंस पे इसको डेकोरेट करने के लिए लगाया जाता है। फ्लावर जो होते हैं हैवी ब्लूमिंग में होते हैं और कई दिनों तक खिले होते हैं।
कलर में वाइट, येलो, पर्पल, पीच, पिंक सारे ही कलर में अवेलेबल होते हैं। और इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहना है तो इनकी शेप जो है मेंटेन रहेगी। ये क्यारी में भी हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बट आप निराश ना हो अगर आपके पास स्पेस नहीं है, बालकनी गार्डन है तो पॉट में भी इनकी ड्वार वैरायटी को हम ग्रो कर सकते हैं। साथ ही ये है बालसम। बालसम आजकल बहुत अच्छी खिल रहे हैं और नवंबर में इसमें ब्लूमिंग भी हो रही है। बालसम जो होते हैं सीजनल फ्लावर होते हैं। बालसम में भी रेनी सीजन से लेकर अभी स्टार्टिंग विंटर में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और इनके सीड्स से इनको हम ग्रो करते हैं। इनके सीड्स को हम जमा करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। और ये पौधे भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे ये प्लांट होते हैं जिसमें हैवी ब्लूमिंग होती है और ये फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत रंग बिरंगे कलर में अवेलेबल होते हैं। पिंक, वाइट, पर्पल, रेड, येलो, ये सारे कलर के हमें बालसम मिल जाते हैं और इनके लीफ की वैरायटी भी अलग अलग देखने को मिल जाती है। सो ये प्लांट भी अभी हम लगा सकते हैं पॉट में, क्यारी में, और हमारे गार्डन में इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ पर अल्मांडा के फ्लावर हैं। अल्मांडा भी काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कलर में येलो, पिंक, रेड कलर में अवेलेबल होते हैं। ये काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं अगर इसे हम फील्ड में लगाते हैं, बट इनकी ड्वार वैरायटी भी हम पॉट में लगा सकते हैं। ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और कंटिन्यूस फ्लावरिंग होती रहती है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ट्रम्पेट शेप में इसके फ्लावर हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इनफैक्ट ये फ्लावरिंग भी काफ़ी दिनों तक करते हैं, तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा होता है। अभी नवंबर में इसमें ब्लूमिंग हो रही है, दिसंबर में भी ब्लूमिंग होगी इसमें। ये भी देखिए कितना बड़ा हो गया है। सो गार्डन में ये भी बहुत अच्छा एक लुक प्रोवाइड करता है और ढेर सारी ब्लूमिंग होती है इस प्लांट में भी। अल्मांडा के प्लांट नर्सरी में सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, ऑनलाइन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें येलो कलर के भी अल्मांडा है हमारे पास। ये है विंका के फ्लावर। विंका यानी सदाबहार। जी हाँ फ्रेंड, सदाबहार नाम भी है और ये सदाबहार प्लांट होते भी हैं। सालों भर हमारे गार्डन में होते हैं, फ्लावरिंग भी कंटिन्यूस करते हैं, एवरीडे करते हैं। ये थोड़ा अलग कलर का सदाबहार है हमारे पास और ये देसी वैरायटी है, बट आप देख सकते हैं कितना अच्छा पौधा भी है और फ्लावरिंग भी हैवी ब्लूमिंग हुई है। लॉट्स ऑफ फ्लावर आए हुए हैं एक ही पौधे में और काफ़ी पुराना पौधा है ये, जिसमें फ्लावरिंग डेली होती है और बहुत खूबसूरत कलर है ये। इसमें कलर वाइट भी होते हैं, पिंक, पर्पल और रेड कलर में अवेलेबल होते हैं। सिंगल और डबल पेटल के भी विंका मिल जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया है, ये भी आजकल नवंबर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। मैक्सिकन पिटूनिया भी वाइट और लाइट पर्पल या ब्लू कलर में देखे जाते हैं। ये भी बुशी होते हैं, इनकी झाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते ये और ये फैलते हैं। साथ ही इनको डिवीजन से, इनकी कटिंग से हम बहुत ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, इनफैक्ट बंच में इसके फ्लावर आते हैं और अभी नवंबर में भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये पौधे भी परमानेंट होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। इनके जो पौधे हैं ये छोटी सी झाड़ियों के रूप में होते हैं, बहुत लंबे तो नहीं जाते, बट हैवी ब्लूमिंग होती है, पूरे पौधों को फ्लावर से ये भर देते हैं और कंटिन्यूस इसमें कलियाँ भी आती हैं, फ्लावर भी आते हैं। सफ़ेद कलर में ये गुच्छों में फ्लावर आते हैं और लॉट्स ऑफ ब्लूमिंग होती है, एवरी डे कंटिन्यूस इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। ये भी लो केयर होने के साथ साथ हार्डी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते। इनको भी हम नर्सरी से लेकर आकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इनकी जो ड्वार्फ वैरायटी होती है उसे आप पॉट में लगा सकते हैं। साथ ही ये फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो होता है, सन लविंग प्लांट होता है, तो इसको हम सनी लोकेशन में लगाएंगे या पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे। देख सकते हैं गुच्छों में फ्लावर आए हुए हैं और इसकी जो पौधे हैं ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसके साथ है हमारे पास मिराबिल जलपा, जिसे हम 4 o'clock के नाम से जानते हैं। ये पौधे भी परमानेंट होते हैं, 12 महीने हमारे गार्डन में अवेलेबल होते हैं, साथ ही फ्लावरिंग भी कंटिन्यूस करते हैं, डेली करते हैं। बस इनकी खूबी यही है कि जैसा कि नाम है 4 o'clock, शाम को इसमें ब्लूमिंग होती है सनसेट होने के बाद और पूरे रात ये चमकते हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, हल्की सी खुशबू होती है इनके। ये है हरसिंगार का पौधा, जिसे हम पारिजात, सिफली या शिवली के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भगवान को, देवी देवताओं को काफ़ी प्रिय होते हैं। इनके जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर में होते हैं। इसकी नारंगी रंग की जो डंडी होती है उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे से क्यूट से फ्लावर आते हैं। हरसिंगार की खासियत है कि इसमें रात में ही फ्लावरिंग होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो पेड़ के नीचे बहुत सारे फ्लावर बिछे मिलते हैं।
हरसिंगार में भी आजकल फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और इसके जो फ्लावर होते हैं उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, तो काफ़ी लोगों को ये बहुत पसंद होते हैं। सो ये भी पौधे आप लगा सकते हैं नर्सरी से लेकर। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ परमानेंट और डेली खिलने वाले फूलों के नाम जो हमारे गार्डन में होने से हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।